हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय इंग्लिश PYQs की सीरीज में MTS के PYQs कर रहे हैं और ये MTS का 2022 का पेपर है। अब आप कहोगे इसके पहले वाला तो 2021 वाला हम करा चुके हैं और 2023 का भी पूरा करा चुके हैं, ठीक है। तो 2022 का जो मई जून 2023 में हुआ था उसमें मई का मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। अभी कल ख़त्म किया है मई का पूरा, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग जून का, ठीक है। 2022 का MTS का पेपर मई जून 2023 में हुआ था और 2023 वाला जो है वो सितंबर 2023 में हुआ था। तो 2022 का जो मई वाला सेशन था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, कल ही ख़त्म हुआ है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जून 2023 वाला, ठीक है। और जून 2023 का पहला शिफ्ट है, ठीक है। ऐसे ही इसमें करीब 6 दिन का इसमें भी पेपर, मतलब 5 दिन का होगा तो 15 सेट हो जाएगा, तो 15 में से आज एक शुरुआत हम लोग कर ही दिए हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर जो है वो केवल MTS का ही नहीं, हम लोगों ने CGL का भी कर लिया, CHSL का भी कर लिया, स्टेनो का भी कर लिया, CPSI का भी कर लिया और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी कर लिया है, सारे कर लिए हैं। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं खूब जम के आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा सेट है। चलिए, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन में तो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ऊपर से देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। करेक्ट idiom, इन्होंने क्या कहा, करेक्ट idiom फॉर द ब्रैकेटेड टेक्स्ट। ब्रैकेट में कुछ टेक्स्ट है, ये देखो इतना बड़ा टेक्स्ट दिया हुआ है, इसी के लिए आप करेक्ट idiom ढूंढ कर लगाओ, क्या idiom लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो, इसमें लिखा है कि ही मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, उसने कोई इरिवर्सिबल चेंज किया। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा काम हमने किया जिसको हम पलट नहीं सकते, जो वापस नहीं हो सकता है। आगे लिखा है कि दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ, जो कि उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। अब इरिवर्सिबल पर ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल चेंज का मतलब हुआ कि कोई ऐसा काम जिसको पलट नहीं पाएंगे। When he got that huge tattoo on his back, चलिए देखते हैं irreversible change के लिए हम लोग, कोई irreversible step के लिए हम लोग क्या idiom लगा सकते हैं यहाँ। Became a devil's advocate, देखो devil's advocate हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई आदमी argument करता है for the sake of argument, मतलब even he is in the favor but he talks in against, वो against में बात करता है just to enhance the quality of discussion, जो डिस्कशन है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, मैटर को और रिफाइन करने के लिए अगेंस्ट में बोलता है, वो डेविल्स एडवोकेट होता है। पुट अ रोज ऑन हिज नोज, पुट अ रोज ऑन हिज नोज का मतलब क्या होता है, एक एटीट्यूड जिसमें हम कहते हैं कि हु केयर्स। जैसे किसी आदमी ने आपको खूब ढेर सारा लेक्चर दिया, आप कंधे उसका कहकर कौन, हु केयर्स, तो ये एक तरह से नो केयर का सिंबल देना, ठीक। बीट द डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे घोड़ा मर गया है उसको आप कितना भी चाकबुक मारो उसको दौड़ने तो लगेगा नहीं, तो बीट द डेड हॉर्स का मतलब आप फिजूल का काम कर रहे हैं, बेवजह का काम कर रहे हैं। क्रॉस द रूबिकॉन, क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब जानते हो, जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, रोम का एक राजा था जूलियस सीजर। रूबिकॉन एक नदी है रोम में, दूसरे देश पर हमला किया था तो रूबिकॉन नदी उसने पार कर ली थी। अच्छा, रूबिकॉन नदी पार तो कर लिया लेकिन लौट नहीं पाया उधर से, तो ये होता है कि कोई ऐसा काम कर दिए जिसे से लौटना नामुमकिन हो जाता है, तो ही क्रॉस द रूबिकॉन, ठीक है, समझ गया। ये जूलियस सीजर के एक सैनिक अभियान से रिलेटेड है, रूबिकॉन नदी है जिसको पार तो उन्होंने कर लिया था उधर से लेकिन लौट नहीं पाए थे, तो ये अब तक का चौथा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक कहानी थी इसमें, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि अब आप ये idiom भूलेंगे नहीं। चलिए, ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो गूगल कर लो, पूरी कहानी आ जाएगी सामने। मैं अब इतना उस समय पूरी कहानी समझाने का टाइम नहीं है ना मुझे। चलो, तो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस इसमें ऐसा है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, फाइंड आउट दैट सेंटेंस। लिखा आई गॉट सेलेक्टेड इन डी कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग सही है, सेलेक्टेड की सही है, तो फिर यही वाला आंसर होगा आपका। व्हाट वाज द बिगिनिंग, बिगिनिंग गलत हो गई, क्योंकि बिगिन में देखो जब हम ING लगाते हैं तो BEGIN जो होता ना वो डबल हो जाता है, ING लगेगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। There is no comparison. Comparison में COMPARISON होता, आई नहीं होगा था, इसके बाद आई नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। Handle, handle में सिंगल L होता है, डबल L नहीं होता, handle HANDLED होता है, ठीक है। तो अब तो फाइनल हो गया ना कि पहला वाला ही आंसर होगा आपका,
क्योंकि बाकी में जो वर्ड्स गलत थे, जिनकी स्पेलिंग गलत थी, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों होगा। खाली ऐसे तो मैंने कहा नहीं कि नहीं पहला वाला होगा, अब दूसरा तीसरा चौथा क्यों नहीं होगा, वो भी तो क्लियर कर दिया। चलिए एंटोनीम पे जाओ, ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है उसका एंटोनीम बताएं। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे खूब उजाला होता है, प्रकाशित होता है, फुल ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो ल्यूमिनस को हम ऐसे लिख दें, फुल ऑफ लाइट, या आप ये कह सकते हो एक वर्ड में कहना चाहो तो, पहले उस समय याद नहीं आया था मुझे, अब मैं कह दे रहा हूँ ब्राइट, ठीक है, ल्यूमिनस होगा। तो सिमिलरली सीरियस द मोस्ट ल्यूमिनस स्टार इन ऑल द हेवेंस एक्चुअली हैज अ फेंट कंपेनियन। तो ल्यूमिनस का एंटोनीम बताओ, तो ये जो ये ब्राइट चमकदार होगा, तो धुंधला के लिए क्या वर्ड लगाओगे, एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित होगा, तो ये नॉट रिलेटेड है, ना तो साइनोनीम ना तो एंटोनीम है क्या। ग्लोमी, ग्लोमी वैसे यूज किया जाता है उदास के लिए, लेकिन अगर लाइट के रेफरेंस में लिखा जाए तो जो फीका होता है, फीका जिसमें लाइट चमक कम हो, वो भी हो सकता है, तो उदास और फीका दोनों आ जाएगा, उदास और फीका। देख लेते हैं, सीरियस नॉट रिलेटेड, कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। मिजरेबल नॉट रिलेटेड, ठीक है, तो ब्राइट से इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं है, एक ऑप्शन बच रहा है सेकेंड वाला, उदास का सेंस नहीं आएगा, फीका का सेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रिप्लेस करना है जो ब्रैकेटेड पार्ट है बाय अ ड्राइवर, तो इम्प्रूवमेंट का मैटर है ये। देखो लिखा है कि ही लॉस्ट हिज टेम्पर, कोई आदमी अपना गुस्सा खो दे, मतलब होश खो देता है, गुस्से में आ जाता है। लूज वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बिकम एंग्री, ठीक है, पेशेंस खो दिया, टू लूज द पेशेंस, ये हो गया ही लॉस्ट हिज टेम्पर बाय अ ड्राइवर फ्लैश्ड हर हेडलाइट। जब ड्राइवर ने हर हेडलाइट, हर किसके लिए लगा, उसकी गाड़ी के लिए लगा, हमेशा जानते हो वाहन को हर, सी फेमिनिन जेंडर में यूज किया जाता है। जब उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाई, एज मतलब जिस समय ही ओवरटेक, जब वो ओवरटेक कर रहा था तो उसने अपनी फ्लैश लाइट जला दी, इस बात पर वो मतलब जो दूसरा आदमी था जिसको ये ओवरटेक कर रहा था वो गुस्सा हो गया, तो यहाँ बाय या ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है ना। गुस्से उस ड्राइवर पर गुस्सा हुआ, तो गुस्से उस ड्राइवर पर गुस्सा होगा तो क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा, ठीक है। लूज वंस टेम्पर आफ्टर समबडी आर समथिंग, ठीक है, तो आफ्टर वर्ड्स नहीं होता, के बाद नहीं होगा, कंसिडरिंग भी नहीं होगा, आफ्टर अ ड्राइवर मतलब एक ड्राइवर के ऊपर उसको गुस्सा आ गई, तो यहाँ पर आफ्टर थर्ड वाला लगेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, खाली जगह। वेल, अच्छा ये तो एक्सप्रेशन हो गया, दैट वॉज डैश गुड, दैट वॉज डैश गुड सेड हार्पर, हार्पर ने कहा दैट वॉज डैश गुड, तो यहाँ गुड लिखा हुआ, तो गुड के बदले में क्या आप यहाँ यूज करोगे, गुड के पहले एडवर्ब यूज करोगे, कौन सा एडवर्ब, आप डिग्री यूज करोगे, ठीक है। तो प्रिटी गुड, हाँ ये होता है प्रिटी गुड, प्रिटी गुड फेयरली गुड, दो चीज़ें होती है, प्रिटी का मतलब यहाँ क्या होगा, फेयरली, पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट, ऑप्टिमम क्वांटिटी में गुड, ये लग सकता है। गॉर्जियस क्या होता है, गॉर्जियस ब्यूटीफुल के लिए यूज किया जाता है यार, और गार्जियल जो गार्जियस जो होता है ना, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। प्लीजिंग क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो वी नीड एन एडवर्ब टू मॉडिफाई गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब लगाएंगे, तो यो प्रिटी इज एडवर्ब। अच्छा आप कहेंगे कि प्रिटी मैंने सुंदर होता है, ठीक है ना, मन तो कह रहा होगा प्रिटी मैंने सुंदर होता है। इफ़ प्रिटी इज यूज बिफोर अ नाउन, अ प्रिटी गर्ल, तो प्रिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर लिखा हो प्रिटी किसी एडजेक्टिव के पहले, जैसे प्रिटी इंटेलिजेंट, तो मतलब होता है जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए उतना, एडजेक्टिव के पहले प्रिटी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। नाउन के पहले प्रिटी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्यों यहाँ पे प्रिटी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट इनकरेक्टली, ओहो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अभी धोखा हो जाती है। ब्लेम सही है, आंसर नहीं होगा। लीफ सही है, आंसर नहीं होगा। स्टारिंग, स्टारिंग में एक जी होता है, स्टारिंग नहीं एक्चुअली स्टेयरिंग है, ये है स्टेयर, ये होता है घूर घूर कर देखना किसी को एकटक थोड़ा गुस्से में। तो इसमें जब आईएनजी लगाओगे तो चूंकि यहाँ पे ई था, ई हटेगा, आईएनजी लग जाएगा, डबल आर नहीं होना चाहिए और ना तो डबल जी होगा, जी दो जब तो फालतू में लगाओ। ग्रेप का मतलब कब्र होता है, तो इसकी स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन होगा, थर्ड वाला, ठीक है, स्टारिंग की स्पेलिंग गलत है। फिर बोला स्टारिंग, स्टेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, ठीक है, लोग सर्वेलांस में हैं, ऑन वॉच हैं, ये भी ठीक होगा। एंड वॉच कीपर्स, अगले का, एंड द वॉच कीपर्स वर, जो वर वॉच कीपर्स थे वो क्या थे, वेरी वेरी टायर्ड। ओ
टायर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया, ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब का एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये सही है। आपको वेरी वेरी सुन के गड़बड़ लगा होगा ना, तो ऑक्सफोर्ड के ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है कि एडवर्ब का एडवर्ब के पहले एडवर्ब लगा सकते हो। आगे देखो, एवरीवन वर, ओ ये एवरीवन सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके लिए वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, इन सब के साथ सिंगुलर लगेगा। तो कहाँ है आपका वर, कहाँ लगा है ये एवरीवन वर, ये ठीक है, ये आपका दूसरा वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर ग्रामेटिकल एरर। योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड, यहाँ तक तो ठीक है, योर बॉडी विल लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाई कैसे, गेटिंग मोर मस्कुलर, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग, ये गड़बड़ हो गया, एंड लगा हुआ है, एंड के पहले ये क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री, मोर मस्कुलर, तो ये क्या होना चाहिए, इसकी भी कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि एंड से जब हम दो एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए, तो मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। योर एरर इज इन द पार्ट ऑफ 4, ये स्ट्रांग होना चाहिए था, समझ गए ना, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, 9 नंबर पे देखें क्या है, 9 नंबर पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है फॉर द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या हुआ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। चलो, इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, खासतौर से बायस्ड है, मतलब पक्षपातपूर्ण है, मिसलीडिंग थोड़ा गुमराह करने वाली है, यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज, किसी पॉलिटिकल कॉज या किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब यूज करने के लिए थोड़ा सा गुमराह करने वाला और पक्षपातपूर्ण है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हो, प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा क्या होता है हिंदी में, कहते हैं दुष्प्रचार, दुष्प्रचार मतलब किसी गलत बात का प्रचार कर रहे हो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, प्रोपोगेंडा कहते हैं। आर्चर्ड क्या होती है, आर्चर्ड होती है बाग, लेकिन कौन सी बाग, फलों की बाग, वो बाग जिसमें आंवला, आंवला, नींबू, आम, ये सब लगे होते हैं, उसको कहते हैं। वेल्टर क्या होती है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्टर, ठीक है, तो वेल्टर होता है एक बड़ी ही टर्बुलेंट कंडीशन होती है, टर्बुलेंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, कुछ भी होता है, जैसे पानी है, पानी में, पानी कुछ अशांत है, सुनामी उनामी टाइप की, या कुछ मतलब कैसा भी हो, पानी अंदर जो पानी में कुछ गड़बड़ी है जिससे मछलियाँ परेशान हैं, या आपके मन में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप बड़े अशांत हैं, बड़े परेशान हैं, तो वो टर्बुलेंट, वो उसी को वेल्टर कहते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, वर्थ ड्रिंकिंग, पोर्टेबल क्या हो गया, वर्थ ड्रिंकिंग, जैसे पानी है वो पीने लायक है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर, ठीक है, पानी पीने लायक पानी होता है, ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका, फिलहाल क्या होगा, प्रोपोगेंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, तो इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगा के इसको भरना है, तो देखो पढ़े, सुलोचना, सुलोचना कौन थी पता है, उसमें रामायण में आपको याद है सुलोचना कौन थी, हुआ सुलोचना, सुलोचना वाज वाइफ ऑफ मेघनाद, ठीक है, मेघनाद की बीवी थी सुलोचना। तो यहाँ वो सुलोचना नहीं है भाई, कोई और है, सुलोचना हुज डैश आई हैड सो एडमायर्ड, अच्छा सुलोचना का कोई यहाँ पे व्यवहार होगा जिसको मैंने सो एडमायर्ड, जिसकी खूब तारीफ की थी ड्यूरिंग द फेस्टिवल, अच्छा उसका वही व्यवहार, सीम्ड अ डिफरेंट पर्सन, अच्छा तो बाद में मतलब फेस्टिवल के समय तो सुलोचना की बड़ी तारीफ की थी उन्होंने, बाद में वो पता चला कि कुछ और ही टाइप की लड़की, और ही नेचर है उसका, तो यहाँ पे उसके किसी व्यवहार की और अच्छे व्यवहार की, क्योंकि एडमायर किया जा रहा है तो अच्छे व्यवहार की तारीफ होगी, क्रूडनेस तो नहीं हो सकता। क्रूड का मतलब क्या हुआ, देखो क्रूड मतलब अपरिष्कृत होता है, जो चीज़ साफ और शुद्ध नहीं होती, जैसे मिनरल्स निकाले जाते हैं जमीन के नीचे से, जब कोई कोई मिनरल निकाला जाता है तो क्रूड होता है, उसमें मिलावट होती है, क्रूड का मतलब साफ नहीं है, उसको रिफाइन कर दिया जाता है। तो आदमी क्या होता है, जब पैदा होता है तो क्रूड होता है, पढ़ता लिखता है, संस्कार आते हैं तो रिफाइंड हो जाता है। तो क्रूडनेस का मतलब क्या होता है, एक तरफ से असभ्य या कुसंस्कारी कह सकते हो, ये तो यहाँ लगेगा नहीं, इसकी तो कोई तारीफ करेगा नहीं, शैडो उसकी परछाई की तारीफ क्यों करेंगे, पॉलिश क्यों भैया, हुज पॉलिश आई हर्ड सो एडमायर्ड, क्यों पॉलिश क्यों तारीफ करी जाएगी। ग्रेस का मतलब क्या होता है, उसकी नज़ाकत, उसकी ब्यूटी, और उसके मतलब ग्रेस में केवल ब्यूटी नहीं आती, नेचर भी आता है, तो ये है पॉजिटिव सेंस, जिसके ग्रेस की इन्होंने खूब तारीफ की थी और बाद में पता चला कि सी इज़ डिफरेंट पर्सन। नेक्स्ट में आ जाओ,
अगले में क्या है, हैप्पी का आपको साइनोनिम बताना है। तो जल्दी में ही, अभी इतनी जल्दी नहीं, आराम से रुको जरा, रुको जरा, पहले सेंटेंस पढ़ो। यू लुक अराउंड, तुम चारों ओर देखो। यू सी ग्रीन हैप्पी प्लांट्स, अच्छा तो आपको क्या दिखेंगे, ग्रीन हैप्पी प्लांट्स दिखेंगे। यहाँ हैप्पी प्लांट्स का क्या मतलब होगा बताओ, नेसेंट होगा कि ग्लूमी होगा कि मॉर्निंग होगा कि ब्लिसफुल होगा बताओ। तो अब एक ही तो ऑप्शन ही इसमें मिल रहा है जी। नेसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है। नेसेंट का मतलब क्या होता है, अभी न्यूली बोर्न, न्यूली बोर्न का मतलब कोई 5-6 महीने का बच्चा समझ लो, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बच्चा, वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे ये देख के लग रहा है कि इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। तो न्यूली बोर्न बट प्रॉमिसिंग फ्यूचर, एक अभी अभी पैदा हुआ है लेकिन फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है उसका, उसको नेसेंट कहते हैं। ग्लूमी उदास, अभी थोड़ी देर पहले आया था, उदास हो सकता है या जिसमें लाइट ना हो, ये हो सकता है। तो ये दोनों आंसर नहीं लगे। मॉर्निंग क्या होता है, सोक, MOUR, देखो एक ओ MORN होता है सुबह होता है, एक होता है MOURN, ये मॉर्न होता है ना, सोक, शोक प्रकट, किसी के यहाँ डेथ वगैरह हो जाती है तो जो लोग विलाप करते हैं उसको कहते हैं मातम करना, जिसको कहते हैं तो किसी की डेथ पर जो रोते हैं उसको मातम करना कहते हैं, तो वो मॉर्न होगा। तो फिलहाल इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब क्या होगा, ब्लिसफुल मतलब एकदम से हरे भरे और खुश प्रसन्न चित्त, इसके लिए यूज किया जाता है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या है इसमें करना क्या है, देखिए idiom और फ्रेज दिया हुआ है, मीनिंग बता दो बस। देखा फेयरली एंड स्क्वायरली, तो फेयर एंड स्क्वायर, इसका अगर हम ly दोनों को काट दें तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फेयरली एंड स्क्वायरली का मतलब क्या होगा, ऑनेस्टली हो जाएगा, और क्या, तो ये वाला हो जाएगा। सडनली, होली, रेगोरसली, रेगोरसली मतलब जानते हो, बहुत ही कठिनाई पूर्वक, खूब खूब मेहनत करके, रेगोरसली हो जाएगा। फिलहाल आंसर आपका ऑनेस्टली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 13 में क्या करना है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देयर इज मेनी अ गुड ट्यून्स, अच्छा देयर के बाद इज लगा है, मेनी के बाद आ लगा है, सिंगुलर सिंगुलर हुआ, लेकिन गुड ट्यून्स जो होते हैं ये क्या हो गया, प्लूरल। देखो ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लेड ऑन एन ओल्ड वायलिन, ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे द लगाना चाहिए था लेकिन इसको हमें करना नहीं है। अब देखते हैं, या तो देयर आर मेनी ट्यून्स हो जाए या देयर इज मेनी अ ट्यून हो जाए, ठीक है। मेनी आ लगेगा तो ट्यून लगेगा, सिंगुलर हो जाना चाहिए, तीनों सिंगुलर या तीनों प्लूरल कहाँ होगा, देखें तो देयर आर लगा, मेनी लगा, मेनी आ नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, मेनी के बाद आ लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा सबका। यहाँ लिखा है कि देयर आर मेनी गुड ट्यून्स, तो ये रहा पूरा प्लूरल। यहाँ देयर इज लिखा होगा और मेनी लगा दिया, इज के बाद मेनी गलत हो गया, यहाँ तो मेनी के बाद आ लगता तो ठीक हो जाता, ठीक है ये भी गलत हो गया, और तो फिर गलत हो गया सारे। सेकंड वाला, यही वाला आंसर होगा आपका, ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ 14 में क्या है, क्रूड, अभी तो बताए थे क्रूड क्या होता है जी, क्रूड मतलब अपरिष्कृत, अभी समझ में आ गया, जो जिसमें क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। एंटोनीम का मतलब क्या हुआ, एकदम राइप हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, कच्चा, जैसे जब हम लोग जमीन के नीचे से तेल निकालते हैं तो कच्चा तेल होता है ना, कच्चा का अपोजिट क्या होगा, सबटिल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है सबटिल, ठीक है, सूक्ष्म ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सूक्ष्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सूक्ष्म बहुत बारीक के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत उम्दा टाइप के लिए। इंटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। राइप का मतलब क्या होता है, पक्का, कच्चा पक्का, ये हो सकता है कच्चा तेल पक्का, हाँ पक्का हो जाएगा। क्योंकि बीस्टली मतलब क्या होगा, बीस्टली लाइक अबीस्ट, तो लाइक अबीस्ट का मतलब क्या होता है, जंगली जानवर की तरह बिहेव करने वाला, ये जंगली जानवर के लिए लगता है बीस्ट, बीस्टली होता है जंगली जानवरों की तरह। तो एक ही ऑप्शन रहा है फिलहाल, यहाँ पे ऑप्शन राइप वाला हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाओ साइनोनीम आपको बताना है किसका, एक्साइटेड का। तो एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित होता है कोई आदमी। तो डोंट साउंड सो एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड मत लगाओ, मत दिखो। तो इसका साइनोनीम क्या होगा, कंपोज्ड का मतलब क्या होता, एकदम शांत, कूल, कंपोज्ड का मतलब क्या होगा, एकदम कूल। तो ये तो अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा ये।
कैजुअल का मतलब नॉर्मल हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। ईगर का मतलब होता है ना उत्सुक, उत्सुक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर उत्सुकता जिज्ञासा बहुत होती है, ये मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं एकदम, बहुत धैर्य नहीं है, कोई गिफ्ट दिया तो जल्दी फाड़ के देखो क्या है इसमें। ईगर इज द साइनोनिम ऑफ एक्साइटेड, ठीक है, टायर्ड का कोई लेना देना नहीं यार, तो ईगर इज द साइनोनिम ऑफ एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 16 में क्या करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा है अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बी, हनी बी का मतलब होता है ना जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगता है, कभी देखा होगा उसमें एपिकल्चर होती है, एपिकल्चर, तो एपिकल्चर में कहीं गार्डन होता है, गार्डन में ढेर सारे डिब्बे रखते हैं और उन्हीं डिब्बों में मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगाती हैं, तो जो जिसमें वो छत्ता लगाती हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइव। हाइव का मतलब क्या होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता जिसमें मधुमक्खियाँ घर बनाती हैं। कॉलोनी किसके लिए यूज की जाती है, आंट्स और दीमक, चींटियाँ और दीमक जहाँ पे बिल बना के रहते हैं उनको कॉलोनी कहा जाता है। पैक ऑफ हाउंड्स क्या होते हैं, हाउंड शिकारी कुत्तों का एक वुल्फ, भेड़िए या शिकारी कुत्तों का जो ग्रुप होता है उसको पैक कहा जाता है। सोल क्या होता है, सोल होता है स्विमिंग फिश, मतलब कहीं पर 150 मछलियाँ एक साथ स्विमिंग, अरे स्विमिंग फिश, ठीक है ना, मतलब 150 मछलियाँ एक साथ तैरते हुए कहीं जा रही हैं तो उसको कहते हैं सोल, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, बताया हूँ मैं आपको, ये तो इमेज भी दिखाई थी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे खाली जगह है, दिखा है कि सी हैज़ अ लार्ज डांस सिंपैथी एंड एब्सोल्यूट फेयरनेस फॉर टेम्पर, तो लार्ज सिंपैथी, सिंपैथी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ भी लगा दो यार, एंड एब्सोल्यूट फेयरनेस मतलब बहुत उसके अंदर फेयरनेस, ये गोरा वाला नहीं फेयरनेस है ना, औचित्य के लिए है, मतलब बहुत उचित बहुत जस्टिफाइड फैसला लेती है, तो यहाँ भी वही आ जाओ। फिर थ्रिप्टी का मतलब क्या होगा, थ्रिप्टी मतलब बहुत कंजूस, क्या होगा, कंजूस सिंपैथी नहीं होगी किसी के अंदर, नेगेटिव चला जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। जनरस का मतलब क्या होता है, उदार, किसी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सहानुभूति होगी, तो ये तो ठीक लग रहा है। मीन का मतलब घटिया, नहीं सहानुभूति के लिए घटिया वर्ड ठीक नहीं। स्पेयरिंग मतलब भी वही होता है, बहुत कम मतलब क्या होगा, मीजर जरा सा, मतलब किसी के अंदर ना के बराबर सहानुभूति होती है तो उसको मीजर कह दोगे, स्पेयरिंग ये भी नहीं लगेगा। वर्ड कौन सा होगा आपका, जनरस ही मोस्ट सुटेबल वर्ड है यहाँ पे। 18 नंबर में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी को इम्प्रूव करना है। इवन इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, तो टाइम्स होगा, इवन इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये हो गया ना डिजास्टर्स, तो एक बार थोड़े आता है, जब जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तब तब की बात होगी, इवन द टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस, तो किसानों से टैक्स लिया गया जब देना पड़ा उनको, तो टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर ये तो ठीक है, टाइमर तो हो नहीं सकता यहाँ पर, अब नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, टाइम्स ऑफ नेचुरली डिजास्टर नहीं होता जी, नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है, समझ गए बात को, तो इसमें फर्स्ट वाला होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में क्या एरर का क्वेश्चन है, वैसे भी एसएलएस की देख के लग रहा था। फ्रेड एंड जॉर्ज हैड विविच्ड देयर ट्रंक्स, ओए होए, तो ये देयर किसके लिए लगा, देयर ट्रंक्स, तो पद्यसी वाला देयर किसके लिए लगा, इनके और इनके लिए, तो दो लोग हैं ना, तो ये वाला देयर थोड़े लगेगा, यहाँ पे टी एच ई आई आर वाला देयर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, पर जैसे प्रोनाउन यूज करो भाई, देयर ट्रंक्स, ठीक है, तो कहाँ गया देयर, देयर देयर देयर, ये वाला देयर, ये है देयर ट्रंक्स, तो आपका सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो 20 में आ जाओ, 20 में खाली जगह भरना है, योर प्रेजेंस डैश बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपकी उपस्थिति हमारे भाई बहनों दोनों को क्या करती है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको भाई, सबसे पहले तो वर्ब चाहिए, ठीक है, तो वर्ब चाहिए, तो इफेक्ट तो नाउन है, इफेक्ट भी नाउन है, ये जो अफेक्ट लिखा होता है ए डबल एफ वाला, यही वर्ब है, तो यही लगेगा, अफेक्टिंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इज एम आर वाज और कुछ लिखा होता तब तो लगता, तो अफेक्ट से ही होगा तीसरा वाला, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, वही पुराना घिसा पिटा सेगमेंट, क्लोज टेस्ट, पहले एक सेंटेंस पढ़ो, पैराग्राफ सॉरी, ही डैश हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें खोली या बंद की, ऐसे ही तो कुछ होगा। मूनलाइट वाज शाइनिंग, अब वहाँ वाज लगा हुआ है तो आंखें खोलने के बाद ही तो दिखेगा कि मूनलाइट वाज शाइनिंग,
वाज लगा है तो पास्ट होगा, ठीक है, पास्ट होगा तो क्लोज और ओपन तो नहीं लगेगा, किसी कीमत पर नहीं लगेगा, ठीक है, पास्ट है, वाज में जाना चाहिए। यहाँ भी देखो वाज लगा हुआ है, सब वाज ही तो है, पूरी कहानी में वाज है, ठीक। तो ये हो गया। अब ओपेंड या एक्सपेंडेड, आंखें फैलाई उसने या आंखें खोली उसने, तो आंखें फैलाने की क्या ज़रूरत है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ होगी तब ना, तो उसने अपनी आंखें खोली खोली और मून वाज शाइनिंग, मून लाइट जो है चांदनी रात चमचमा रही थी, चमक रही थी, डैश द बार्स ऑन द विंडो। विंडो क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये खिड़की हो गई, ठीक है, ये खिड़की हो गई, उसमें क्या लगा होता, एक ये लकड़ी का लगा होगा, तो ऐसे ऐसे क्या लगा होता खिड़की में, राड, लोहे की छड़ें लगी होती हैं, तो ये जो लोहे की छड़ें लगी होती हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है, बार, ठीक है, जेल की सलाखें भी कहते हैं, बिहाइंड द बार। चलो अच्छा, तो कहाँ पे, यहाँ पे विंडो की बार जो है वहीं पे मूनलाइट चमक रही थी, एंड डैश वाज गोगलिंग थ्रू द डैश एट हिम, ठीक है, एंड द डैश वाज, तो कोई व्यक्ति होगा गोगलिंग थ्रू द डैश एट हिम, ठीक है, थ्रू द डैश, तो थ्रू द विंडो भी हो सकता है, खिड़की के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ विंडो की बात हो रही है। आगे देखें, अब व्यक्ति कैसा था, अफिकल फेस्ड, रेड हेयर्ड, लाल लाल बाल, लॉन्ग नोज्ड, ठीक है, तो नाक जो थी वो थोड़ी लंबी थी, समवन, कोई ऐसा व्यक्ति था। रॉन वीसले वाज आउटसाइड, अच्छा यही थे, रॉन वीसले वाज आउटसाइड हैरीज डैश, तो ये रॉन वीसले कहाँ थे, हैरी के डैश के बाहर, हैरी के डैश के बाहर तो किसके बाहर होगा, तो दरवाज़ा खिड़की कुछ ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, चलो आइडिया लग गई है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या लगा सकते हो, मूनलाइट वाज शाइनिंग, ये हो गया, डैश द बार्स ऑफ द विंडो, तो विंडो की बार, तो क्या हो गया, कहाँ मूनलाइट चमक रही थी, कंप्लीट द बार, इन द बार, थ्रू द बार, दो द बार, दो ये कंजंक्शन होता है, ये नहीं लगेगा, और कंप्लीट द बार ये भी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन चाहिए, थ्रू द बार या इन द बार, तो बाहर से अंदर आ रही थी ना रोशनी, जो मतलब चांदनी है, जो मूनलाइट है, वो बार में थोड़े लोहे की राड में चमकेगी, कि लोहे की राडों से जो बीच में जगह होती है, ऐसे ऐसे लोहे की राड्स होती हैं, तो अब यहाँ यहाँ से मतलब चंद्रमा की रोशनी अंदर आएगी ना, तो अंदर आएगी खिड़की से, तो ये थ्रू लगना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, कभी नहीं होता, कभी देखो खिड़की में जो रॉड्स लगी होती हैं, जाले लगे होते हैं, खिड़की खोलो तो वहाँ से रोशनी अंदर आती है, तो वहाँ से रोशनी अंदर आती है, तो उसको क्या कहोगे, थ्रू द विंडो कहोगे ना, तो यहाँ पे थ्रू लग गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर के, देखो यहाँ क्या लगेगा, एंड डैश वाज, तो कोई व्यक्ति वाज यहाँ पे हो जाएगा ना, एंड कोई व्यक्ति वाज गोगलिंग थ्रू द डैश, तो कोई व्यक्ति होगा, तो समटाइम्स तो आएगा नहीं, वाज गोगलिंग लिखा है ना, तो समटाइम्स नहीं हो सकता, समवॉट भी नहीं होगा, समवेयर भी नहीं होगा, कोई पर्सन ही होगा, समवन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले में आ जाओ, चौथे में देखते हैं क्या है, यहाँ क्या लगाना होगा, ठीक है, थ्रू द डैश, तो थ्रू द, अब क्या हो गया, कोई आदमी गोगल कर रहा था थ्रू द, अब ये बार, अब खिड़की की बात हो रही है तो खिड़की में बार ही तो होगी, यहाँ भी क्या लिखा है, थ्रू द बार्स, यहाँ क्या था, थ्रू द बार्स, यहाँ भी क्या आएगा, थ्रू द बार्स, बार्स मतलब यहाँ भी बार लगा, तो खिड़की, वही खिड़की की जो राड्स है वहीं से, थ्रू द ग्रिल, नहीं ग्रिल कहो तो ये विंडो नहीं लग पाएगा ना यहाँ पे, ग्रिल में, यहाँ पे चूंकि बात विंडो की हुई है तो ग्रिल की हम क्यों करेंगे, और हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ग्रिल या बार, तो ग्रिल नहीं उसको बार कहते हैं, खिड़की में जो राड होती है उसको ग्रिल नहीं कहते, बार कहते हैं, गेट में जो होती है उसको ग्रिल कहते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाओ, यहाँ क्या लगाओगे, हैरीज डैश, तो रॉन वेस्ले खड़े थे आउटसाइड किसके, तो हैरी के कबर्ड के बाहर खड़े थे, कि टॉयलेट के बाहर खड़े थे, कि सूटकेस के बाहर खड़े थे, कि विंडो के, तो चूंकि कहानी में विंडो की बात हो रही है तो विंडो के बाहर खड़े होंगे ना, उनके टॉयलेट और उनके कबर्ड के बाहर क्यों खड़े होंगे भाई। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन, बड़े आसान से हो गए, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत वाले क्वेश्चन नहीं थे, इजीली आराम से हो गए, टाइम भी कम लगा है, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में, और हाँ रात में 10 बजे 10 PM पर आज हम लोग आ रहे हैं किसके साथ, स्टेनो, ठीक है, स्टेनो की फिलर्स के साथ रात में 10 बजे आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।